तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है पिंटू और मैं हूँ धनबाद झारखंड से। दोस्तों यहाँ पे अभी 9 से ऊपर हो चुके हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ। लेट नाइट तक थोड़ा वीडियो एडिटिंग के कारण थोड़ा लेट हो गया था। दोस्तों पिछला ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि मैं तेनुघाट डैम का वहाँ पे वीडियो शूट करा था और वहां से नजदीक था हमारे बहनोई का दीदी का घर, तो मैं वहीं पे आ गया था। और वहां पे आने के बाद अभी मैं वहीं पर हूँ और आज जो है अपना घर निकलने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले नहा धो के फटाक से रेडी हो लेते हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी। अब हम बिना देरी किए यहाँ से निकलने वाले हैं। फाइनली गाइस, खाना पीना अब हो चुका है, अब हम निकलने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो अपने हुंडई एक्सेंट से ही मैं अपना घर निकलने वाला हूँ। तो गैस आप यहां पे देख रहे हैं, 5 किलोमीटर तक मुझे इसी तरह के रास्ता पे उबड़ खाबड़ रास्ता पे मुझे चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 5 किलोमीटर खत्म होने के बाद मुझे मिलेगा एकदम पूरा स्लिम वाली रोड, जिसमें गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पे पूरा चारों तरफ यहां पे पूरा का पूरा जंगलेस एरिया, यहां पे विलेज टाइप का एरिया है। तो यहां पे हर एक तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखने को मिलेगा यहां पे 5 किलोमीटर तक। तो गाइस आप सभी जानते होंगे विलेजेस एरिया में गाड़ी चलाना कितना ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ पे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलाना पड़ता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चा इधर उधर रहते हैं, बदमाश रहते हैं, कभी भी दौड़ के रोड से एक पार से ऊपर अगर चले जाए तो कभी भी दिक्कत हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए गाड़ी यहाँ से हमेशा 10 या 15 या फिर 20 की स्पीड में चलाना चाहिए। दोस्तों देखो यहाँ पर अगर आप विलेजेस एरिया आते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो आपका सेहतमंद शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर पोल्यूशन फ्री, आपको ऑक्सीजन बराबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है और हमेशा मिलता रहेगा। और गाइस जो मज़ा गांव और विलेजेस एरिया में आता है ना, वो शहर में कहाँ आने वाला है। यहाँ का जो एकदम फ्री पोल्यूशन मुक्त जो ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ पे जो शाम के समय में जो ट्रैवल करने में यहाँ पे जंगल एरिया में जो मज़ा आता है, उसका शेयर करने का तरीका और दूसरा क्या हो सकता है, ये बहुत ही मज़ेदार। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जंगल के बीच में यहाँ पे एक नदी है, तो नदी का यहाँ पे खांजो नदी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, अभी भी नहा रहे हैं, और पीछे से एक गाड़ी हमें कवर कर रही थी तब से। अब गैस वो आगे निकल चुकी है। अब गैस यहाँ पे देखो हर एक तरफ पत्थर ही पत्थर, और एक नदी है जिसका नाम खांजो है, और हम इसे अब क्रॉस करने वाले हैं। और फिर से अब हम मुझे मेन रोड मिलने वाला है, लगभग अब पहुँच ही चुके हैं मेन रोड के नज़दीक में। तो फाइनली गाइस अब जो है अब हमारा मेन रोड लगभग अब पहुंच चुके हैं। अब हम कुछ समय के बाद अब मेन रोड पे कदम फिलहाल रखने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कोयले वाले लोग हैं, थोड़ा यहाँ पे सावधानी से। और उसके बाद अब लगभग ये देखो यहाँ पे आपको मेन रोड दिख रहा होगा, दाएं तरफ वाला रोड सीधा सीधी रांची निकल जाएगा, और बाएं तरफ जाएंगे तो सीधे धनबाद। तो मुझे बाएं तरफ जाना है धनबाद की तरफ, तो यहाँ से अब मेन रोड पकड़ लिया और बाएं तरफ मुड़ जाने का। अब बाएं तरफ ये घूम गया, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेन रोड जो है अब पकड़ लिया। अब गाड़ी यहाँ पे हवा पे बात करती है। पूरा का पूरा रोड अभी खाली है।
फाइनली गाइस अब हम पहुंच गए दामोदर ब्रिज का जो पुल है अब वहां पे पहुंच चुके हैं और यहां का कोई नज़ारा दिखाने का कोशिश करते हैं। तो फिर गाइस यहां पे देखो, यहां पे दामोदर ब्रिज उधर से नदी आती है और उधर को चले जाती है ये पुल क्रॉस करने के बाद। तो ये बहुत ही लंबी ये दामोदर ब्रिज का पुल है। तो आप यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो फाइनली गाइस अब हम घर आ चुके हैं और राधा रानी अभी घर पे नहीं है, वो नानी घर गई है। तो फिर गाइस ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।